guys and welcome back to my YouTube channel. I hope you are having a great day and a great week. So guys, मैं आज एक बहुत ही unexpected video बना रही हूँ आपके लिए. मेरे को भी नहीं पता था कि मैं इस topic पे video बनाने वाली हूँ. So guys, video start करने से पहले it's my humble request. Please like this video, subscribe to my channel and also comment down below. अगर आपके पास कोई suggestions है, I would love to make videos on your suggestions. आप पता ही है मैं आपके suggestions पे video बनाती रहूंगी. तो मैं ऐसे ही randomly net surf कर रही थी क्योंकि सबको पता ही है quarantine में करने के पास कुछ काम नहीं है. तो अगर आप क्रोम पे जाओगे तो नीचे बहुत सारे भयंकर thousands of articles आपको वैसे ही दिख जाएंगे. एंड बाय द वे गाइज, मैं आर्टिकल रीडर नहीं हूँ, पर मुझे एक बहुत ही भयंकर सी हेडलाइन दिखी, न्यूज हेडलाइन, जिससे मेरे को हार्ट अटैक आ गया. तो मैं आप लोगों को इस आर्टिकल की तरफ लेके जाना चाहती हूँ. तो सूत्रों के अनुसार, गाना तो सुना होगा. तो जब मैं गूगल सर्च पे थी तो मुझे ये हेडलाइन दिखी, आपको अभी स्क्रीन पे दिखी रही होगी. रीओपन स्कूल्स ओनली फॉर क्लास 8th-12th स्टूडेंट्स पोस्ट लॉकडाउन एनसीईआरटी. ये सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया. भाई, मेरे इतने प्यारा लॉकडाउन का टाइम कोई मुझसे छीनने वाला है तो भाई मैं तो पढ़ूंगी. तो मैंने आर्टिकल पे क्लिक कर दिया और जब मैंने क्लिक किया तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत बड़ा न्यूज का एक आर्टिकल है. मैं वैसे आर्टिकल पढ़ती नहीं हूँ, पर भाई मेरे प्यारे लॉकडाउन पे है तो पढ़ना तो पड़ेगा. तो गाइज, आर्टिकल की पहली लाइन में बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, द एनसीईआरटी टास्क बाय द यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री. तो गूगल पे सर्च करने के बाद मुझे पता चला. सो गाइज, कभी कभार क्लिक नहीं होता, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं होता. पता चल गया था कि लाइक कुछ स्टडी रिलेटेड है, पर एग्जैक्ट पता करने के लिए मैंने गूगल बाबा पे सर्च किया था कि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाए. और एचआरडी मिनिस्ट्री का फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि ये जो हमारे स्कूल्स या कॉलेजेस से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो यही मिनिस्ट्री लेती है. तो गाइज, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के मुझे जितना समझ आया है, एनसीईआरटी जी ने गवर्नमेंट को ये प्रपोजल दिया है कि स्कूल में जो 8th-12th क्लासेस रखती थी उन्हें मिड जुलाई से रीओपन किया जाए. क्यों भाई, क्या जरूरत है? मतलब हम प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें कोरोना में बाहर भेज देंगे. मतलब मैं समझती हूँ कि कोरोना, आप ये सारे सोच रहे होंगे कि कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तब बोला गया था छोटे बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, पर भाई कोरोना एज देख के थोड़ा ना होता कि छोटा बच्चा तो नहीं होगा, बड़ा है तो हो जाएगा. कोरोना तो कोरोना है, वो तो हो जाएगा. भाई ये बात तो ना मुझे अच्छी सी नहीं लगी पढ़ के बिल्कुल भी. तो गाइज, मुझे आगे पढ़ने पे ये पता चला कि उनकी एक रिकमेंडेशन है, 8th-12th क्लासेस उन्हीं स्कूल्स में रीओपन होंगी जो या तो ग्रीन जोन में है या तो ऑरेंज जोन में है. मेरा कौन सा जोन है? थैंक गॉड गाइज, मेरा रेड जोन है. आखिर एक तो पॉइंट है इसमें जो मेरे पे वैलिड नहीं है. ना. सो गाइज, मुझे गलत मत समझना, मेरे को रेड जोन में रह के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. इतने प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं. और अगर देखो, घर में इतने प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे हैं तो बाहर जाके पता नहीं क्या ही होगा. अब मेरी क्लास में इतने सारे बच्चे, अब हम स्कूल जाएंगे वहां पे इतनी सारी पब्लिक होगी, इतने बच्चे होंगे और वो लाइक वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी? तो मेरे को लगता है, इट्स माय ओपिनियन, कि इन्हें अभी ये आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए फॉर नाउ. आगे का तो बाद में देखेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि अभी ये राइट डिसीजन है कि अभी कोई खासकर कि स्कूल्स खोलना नेसेसरी. सो गाइज, प्लीज कीप दिस इन माइंड कि ये अभी एक माइनर सा सजेशन है जो एनसीईआरटी ने गवर्नमेंट को दिया है. तो गाइज, वी स्टिल हैव होप, हो सकता है कि गवर्नमेंट ये आइडिया ड्रॉप कर दे. तो आगे बढ़ते हुए मैंने देखा कि इनका एक और अल्टीमेट रिकमेंडेशन है कि ये इस लाइक प्रॉब्लम से कैसे सुलझ सकते हैं, कि हर क्लास लाइक वन थर्ड स्टूडेंट्स करके जाएंगे और फिर वो वन थर्ड स्टूडेंट सोशल डिस्टेंसिंग ट्राई करेंगे. सो गाइज, ये जो वन थर्ड का रूल है, मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कितना वन थर्ड करवाओगे. मतलब मेरी क्लास में ऑलमोस्ट 60 स्टूडेंट्स हैं और अगर आपको मेरी क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग करवानी है कि 6 फीट के डिस्टेंस पे रहना, तो वन सिक्स बच्चे बुलाने पड़ेंगे. और मतलब ये सेंस नहीं बन रहा है अच्छे से लाइक. तो मुझे नहीं लगता ये जो प्लान है इनका वन थर्ड या वन सिक्स ये वर्क करने वाला है. सो गाइज, मतलब आप स्कूल में लाइक
चल स्कूल छोड़ो, आप घर से बाहर निकल रहे हो, सो दैट्स अ सोशल एनवायरमेंट। स्कूल किस चीज के लिए होता है? फॉर सोशल इंटरेक्शन, टीचर टू स्टूडेंट इंटरेक्शन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन। तब आप वहां पे कह रहे हो कि स्टूडेंट्स को एक दूसरे से 6 फीट का गैप रखना है, सैनिटाइज रखना है, कहीं पे टच नहीं करना है, क्लासरूम में एक दूसरे से दूर रहना है, और लाइक अनकॉन्शियसली कहीं पे भी टच करे तो दैट्स रिस्की। चलो मान लो कि ये पार्ट हमने हटा दिया, ये हो गया, पर सबसे क्रूशियल पार्ट जो रिसेस है, अब आप हमसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि लाइक हम ग्लव्स पहन के खाना खाएंगे तब हमें ग्लव्स उतारने पड़ेंगे। और ये भी हो गया कि मान लो बच्चों ने 6-6 फीट का सर्कल बना के लाइक नहीं आना तो बना लिया, पर अनकॉन्शियसली अगर उन्होंने कहीं पे भी टच कर दिया तो दैट्स रियली रिस्की। मेरे को लगता है कि अब जैसे लाइक इन्होंने सजेशन दिया है 1/3, 1/3, 1/3 या 1/6, 1/6, 1/6, तो ये टीचर एक ही ग्रुप ऑफ बच्चों को कितनी बार पढ़ाएगा? मतलब उस टाइम के लिए हमारा पेस 3 टाइम्स, जैसे अगर 1/3, 1/3, 1/3 है या 1/6 या 6 टाइम्स स्लो हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है इससे बेटर ऑनलाइन क्लासेस है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में हमें मिनिमम रिस्क है। दूसरा, हमारे पेरेंट्स हमें बताने को हैं कि लाइक ये आप गलत कर रहे हो, याद रखो आपको सैनिटाइज करना है। और तीसरा, हमारा सिलेबस ठीक से चल रहा है और ठीक, और टीचर हमें इंटरेक्ट भी करवा रही है, हम मैनेज कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्कूल्स खुल, लाइक ऐसा नहीं कह रही कि स्कूल्स कभी खुलने ही नहीं चाहिए, स्कूल्स खुलने चाहिए, पर अभी थोड़ा सा डिले होके खुलने चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप स्कूल में जाके पढ़ो, इट्स इम्पॉर्टेंट आप पढ़ो, चाहे कहीं पे से भी पढ़ो, पर आपकी पढ़ाई कम्प्लीट होनी चाहिए। सो गाइज, मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ में बहुत ही अनोखी लाइन मिली जो मेरी समझ से तो बाहर थी। इस लाइन में कहा गया है कि उन्होंने रिकमेंड किया है कि पहले 8th-12th क्लासेस के स्कूल स्टार्ट होंगे और फिर वो जो बड़े बच्चे हैं यानी कॉलेज की तरफ बाद में देखेंगे, धीरे धीरे ओपन करेंगे। गाइज, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। आई गेस बच्चे ज्यादा प्रोन होते हैं क्योंकि बड़े जो होते हैं वो ज्यादा समझदार होते हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं, वो सैनिटाइज कर सकते हैं, जबकि बच्चे और रेकलेसली बिहेव करेंगे क्योंकि इतना टाइम बाद उन्हें बाहर जाने को मिल रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ सीरियस मिसकम्युनिकेशन हुआ है किसी के बीच में, क्योंकि मतलब ये कहाँ इसका लॉजिक है कि आप पहले छोटे बच्चों को निकाल रहे हो जो कि ज्यादा प्रोन है डिसीज के लिए, और फिर बड़े बच्चों को धीरे धीरे करके निकालोगे। सो गाइज, थैंक गॉड इन्होंने ये तो सोचा था कि 10 साल से नीचे वाले बच्चे लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 में लाइक घर से बाहर भी निकल सकते, तो स्कूल जाना तो दूर की बात है, क्योंकि दे आर रियली इनोसेंट और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब भी समझ नहीं आता। तो अगर थैंक गॉड उनके लिए स्कूल नहीं खोले हैं, क्योंकि अगर उनके लिए स्कूल खुलते हैं तो दैट वुड बी लाइक वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं और उन्हें समझाना इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि कितनी सीरियस ये डिसीज है और हाउ फास्ट दिस डिसीज इज स्प्रेडिंग। सो गाइज, मैं इस आइडिया को सपोर्ट करती हूँ कि अगर जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ एग्जाम्स करवा के एक बार ट्रायल करके देख ले और ना कि सीधा एक बार स्कूल्स ओपन कर ले, क्योंकि एग्जाम्स में जो सारी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रही है। पहला, वो जाके फिक्स सीट्स पे बैठेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है, क्योंकि वो उस सीट से जितना भी टाइम ड्यूरेशन है उनके एग्जाम का उसके बाद ही उठेंगे। दूसरी चीज, उन्हें कोई इंटरेक्शन नहीं करना पड़ेगा, उन्हें एक दूसरे के साथ बात नहीं करनी पड़ेगी, तो वहां पर रिस्क मिनिमाइज हो रहा है। तीसरी चीज, जब वो जाएंगे तो वो सीधा एग्जाम से जाके अपने घर जा सकते हैं और फिर हमारे पास टाइम ही टाइम होगा कि हम उस प्लेस को सैनिटाइज कर सके। तो मेरे ओपिनियन में गवर्नमेंट को पहले एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, पहले एग्जाम्स करवाने चाहिए और उसके बाद सोचना चाहिए स्कूल्स रीओपन कब हो सकते हैं, या जब सेफ है या लाइक एक्सपेरिमेंट काम कर गया तब स्कूल्स रीओपन होने चाहिए मेरे हिसाब से। और गाइज, ऐसा नहीं है कि एग्जाम कंडक्ट करवाने में कोई रिस्क नहीं है, तो मेरे ओपिनियन में गवर्नमेंट को वही एग्जाम्स कंडक्ट करवाने चाहिए जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स आगे वाली क्लास या उसमें प्रमोट हो रहे हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स है या बोर्ड एग्जाम्स है जिनके लाइक जो इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट ग्रेड के लिए, जो होने जरूरी है, तो वही एग्जाम्स फिलहाल के लिए कंडक्ट हो, और जो अभी उतने नेसेसरी नहीं है कंडक्ट होने के लिए वो अभी फिलहाल डिले कर दिए जाए। सो गाइज, मैं उनकी एक बात पे तो अग्री करती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये इम्प्रैक्टिकल है कि आप छोटे बच्चों से एक्सपेक्ट करो कि वो हमेशा अपना ग्लव्स लगा के रखे, हमेशा सैनिटाइज होके रहे एंड ऑल दैट। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए वो टीचर्स को ऑनलाइन एक स्पेशल ट्रेनिंग देंगे ताकि वो बच्चों को लाइक वो पास ऑन कर सके वो नॉलेज, ताकि बच्चे सैनिटाइज रहे। मतलब इसमें एक चीज है,
क्लासरूम में कभी कभार ऐसा होता है कि टीचर संभाल नहीं पाती बच्चों को, और जब ये इतना क्रूशियल टाइम है तब हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि टीचर लाइक बहुत अच्छी तरह से लाइक एक बार बोलने पे सारे बच्चे मान जाएंगे. सो आई थिंक दैट दिस इज काइंड ऑफ रिस्की टू लाइक इम्प्लीमेंट दिस. तो गाइज मैं ये नहीं कह रही कि लाइक सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि टीचर की बात ही ना माने, और मैं जानती हूँ कि ऐसे क्रूशियल टाइम पे पेरेंट्स उन्हें इतना समझा के भेजेंगे कि सैनिटाइज रहो, मास्क पहनो एंड टीचर की बात सुनो एंड ऑल दैट, मैं मानती हूँ. पर लाइक दो तीन बच्चे होते हैं ऐसे मिस्चीवियस जो क्लास में जो लाइक टीचर की बात नहीं सुनते, और वो किसी हार्म की वजह से नहीं चाहते कि वो किसी को हार्म, उन्हें लगता है कि बस वो करने में उन्हें मजा आ रहा है और ये उनका व्यू है उस चीज पे. पर एक्चुअली मैं ऐसा नहीं होता, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग माय कंसर्न, क्योंकि हर बच्चा टीचर की बात नहीं मान, टीचर हर बच्चे को रिमोट कंट्रोल नहीं कर सकता. दैट इज व्हाई इट इज क्वाइट रिस्की टू ओपन स्कूल्स एट दिस क्रूशियल पॉइंट. सो गाइज इस आर्टिकल के एंड में लिखा हुआ है कि ये अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, ये सिर्फ इनके मन के भाव है. अभी मैं चाहती हूँ इनके मन के भाव इनके मन में ही रहे, क्योंकि अभी ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ है. अभी इसके लिए HRD और हेल्थ मिनिस्ट्री की मीटिंग होगी, वो सारे सर्कमस्टांसेस को स्टडी करेंगे, और अगर उन्हें लगता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में खोलना लाइक इट्स सिक्योर टू रीओपन स्कूल्स, देन ही वो करेंगे. तो तब तक के लिए आप शांति से बैठ सकते हो. मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई. तो गाइज पूरी वीडियो को समराइज करते हुए मेरे को लगता है कि अगर स्कूल खुलेंगे तो सिर्फ उन बच्चों के एग्जाम्स के लिए खुलेंगे जो लाइक अपने मेन ईयर में है, जैसे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स है, जैसे 10th का जो बोर्ड होता है या 12th का बोर्ड होता है, या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के जो अपने 4th या लास्ट ईयर में है उनके एग्जाम्स के लिए खुलेंगे. सो गाइज मुझे लगता तो नहीं है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में स्कूल्स खुलने का कोई भी चांस है. सो जस्ट टेक अ चिल पिल. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज बी श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो आपको ये वीडियो कैसी लगी. और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है या आप चाहते हो कि किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज कॉमेंट करो. अगर आपको मेरे सोशल अकाउंट्स फॉलो करने हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. अगर आपको मेरी पहली वीडियोज देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय.